इस घटना की खबर मिली, सब लोग बहुत दुखी हुए हैं। और चूंकि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे के साथ हुआ है तो हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से अगर इसमें कोई भी, जैसा कि इनका कहना है कि ठीक तरह से जांच नहीं हो पाई, तो अपनी बात इन्होंने महाराज जी को भी जाके कह दिया है, बता दिया है जी। और आज हम लोग भी जैसे आए तो पहले मिलने आए, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे, सदन चल रहा था, लेकिन लगातार घटना पे हम लोग रखे हुए थे नज़र, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, क्या जांच हो रही है। तो अब जो है, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि घटना कोई भी हो, उस घटना के पीछे सत्य क्या है, ये हर किसी को जानना ही चाहिए और ये सामने आना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जो विद्यालय परिवार है वो ये मानता है कि उसमें उनकी कोई संदिग्धता नहीं है या उनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर वो जांच में उनको सहयोग भी करना चाहिए। अगर इनका आरोप है कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया, इनका ऐसा कहना है, और स्कूल का कहना है कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो अगर बच्ची ने आत्महत्या किया ऐसा स्कूल मानता है, तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। जो भी साक्ष्य हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज होगा, बाकी जो चीज़ें होंगी, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम वो तो बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से इस पर सही ढंग से जाँच करके, और अगर इसके पीछे कोई दोषी है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आजमगढ़ पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही थी उससे संतुष्ट थे, अचानक से जो जांच मऊ ट्रांसफर कर दी गई उस पे लेकर उनको संदेह बना हुआ है, इसमें मैंने आपसे वही बात कहा कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है, सच है, और उसको लगता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसको फिर ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब यहाँ जांच हो रही है तो यहाँ जांच होके आ जाती बात, जो भी सच है या जो भी, अगर उनके पक्ष में या इनके पक्ष में, तो ये जितनी चीज़ें हो रही है ये और शक के दायरे में उनको लाएगी। और मुझे लगता है क्योंकि फाइनली ये लोग भी तो छोड़ने वाले हैं नहीं, आप यहाँ से अगर छोड़ देंगे और इनको नहीं संतुष्टि है और ये कह रहे हैं कि हम इसकी जाँच कराएंगे, तो ये फिर न्यायालय में जाएंगे, तो आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे स्कूल के अध्यापक हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हों, सबको सहयोग करना चाहिए और सच क्या है वो सामने आना चाहिए। पीड़ित परिजनों का बिल्कुल करेंगे, और इन्होंने अपना, भले ही ये बात अपनी कह ना पाए हों, पर इन्होंने अपना आवेदन वहाँ दिया है और आवेदन जो भी वहाँ जाता है उसको बारीकी से पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। दिनेश जी, पीड़ितों को तरीके से जल्दी, तो मैंने आपको वही कहा कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है कि पहले कभी हुआ नहीं और अचानक हो गया, तो और शक में आता है, तो निश्चित रूप से उनका पक्ष और कमज़ोर होगा ना। मेरा कहना वो है, अगर जिस तरीके से जाँच चल रही थी, सीधे सीधे अगर चलने दिया गया होता, सीधे सीधे चीज़ें सामने आती, तो ना इनको शक होता, ना आप लोगों को शक होता। लेकिन ये जो आपने कहा कि अचानक से ये तत्काल करके कैसे कर दिया गया, तो फिर उस पर इनको भी शक हुआ, अब ये और चाहते हैं कि उसमें और जांच हो, तो ये मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंच गए। अगर आजमगढ़ के टीम ने ही जांच करके दे दिया होता तो इनको मुख्यमंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर इसको मऊ ट्रांसफ़र करके और इसको जब घुमा दिया गया तो इनको शक और आ गया कि भाई यहाँ हो रहा था तो वहाँ क्यों भेजे, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी के पास गई है ना। तो अब इनका आवेदन वहाँ पहुँचा है तो उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप यहाँ के साथ, मैं सदन चल रहा था, दिल्ली में था, पर मुझे जिस दिन पता चला मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उस घटना को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो ये लोग जो बात कह रहे थे वो भी मैं देख रहा था, जो स्कूल में बच्चे कह रहे थे वो भी देख रहा था, जो पुलिस प्रशासन कह रहा था वो भी मैं देख रहा था। और अब जब मैं यहाँ आया तो मैंने गुड्डू भैया को, चूँकि हमारे यहाँ के यहाँ से जो विधायक, हाँ, तो